केनरा बैंक में नौकरी लगवाने का झांसा देकर साइबर ठग ने छात्र के खाते से किया 14 लाख का ट्रांजैक्शन। बैंक से नोटिस आने के बाद पीड़ित छात्र ने एसपी ऑफिस में की शिकायत। शिवपुरी जिले में एक छात्र को केनरा बैंक में नौकरी दिलाने का झांसा देकर उसके बैंक अकाउंट के लाखों रुपए के फर्जी ट्रांजैक्शन का मामला सामने आया है। बैंक से नोटिस आने के बाद छात्र को इस जालसाजी का पता लगा, जिसके बाद छात्र ने एसपी ऑफिस में आवेदन देकर जालसाज के खिलाफ कार्यवाही किए जाने की गुहार लगाई है। एसपी ऑफिस से छात्र का आवेदन साइबर सेल भेजकर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। जानकारी के अनुसार आंशिक पुत्र राजेश जाटव निवासी कुंवरपुर शिवपुरी ने बताया कि मैं स्टूडेंट हूं, 2 माह पहले सोशल साइट्स इंस्टाग्राम पर मोबाइल नंबर 9518223087 से संपर्क हुआ है, जिसने अपना नाम हर्ष कुमार निवासी दिल्ली बताया और कहा कि तुम्हारी नौकरी केनरा बैंक में तुम्हारे आसपास के ब्रांच में लगवा दूंगा, इसलिए आप अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड व बैंक पासबुक भेज दो, जिस पर मैंने सभी डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सअप कर दिए। हर्ष कुमार ने कहा कि केनरा बैंक में 1000 में खाता निकलेगा और बताया कि उसमें हमारा मोबाइल नंबर 9889640576 स्लगन होगा, जिसमें आपको एक छोटा मोबाइल भी मिलेगा, जिसके बाद हर्ष कुमार का मोबाइल बंद हो गया। 20 जनवरी 2024 को उसे बैंक से नोटिस आया कि आपके खाते में संदिग्ध लेन देन हुआ है, जिसके बाद उसने बैंक जाकर पता किया तो उसे पता चला कि उसके खाते से 2 माह में 13,78,297 रुपये का लेन देन हो चुका है। इससे परेशान पीड़ित छात्र ने बैंक और एसपी ऑफिस में आवेदन देकर खाता बंद कराने और ठग के खिलाफ कार्यवाही किए जाने की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? सर आसिफ जाटा। कौन से गांव के आप? अरे एसपी ऑफिस आए थे, क्या समस्या लेके आए थे? सर समस्या ये थी सर, वो इंस्टाग्राम पर अप्लाई किया था केनरा बैंक में सिक्योरिटी के लिए। हाँ। उन्होंने पहले बोला कि आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड हमें व्हाट्सअप कीजिए और ये केनरा में अपना अकाउंट ओपन कराइए। हाँ। उसमें अकाउंट ओपन कराया हमने तो सर पता है उसमें 1000 रुपये जमा किए। फिर बाद में हमने उनसे संपर्क किया, जिन्होंने हमें बताया था उनका मोबाइल बंद आया। हम फिर बैंक आए तो नंबर चेंज कराने तो सर ने बताया कि आपके अकाउंट में जो 15000 आए, मैंने बोला सर नहीं आए। उन्होंने बताया कि ये आए, उन्होंने दिखाया मुझे तो मुझको पता चला, वो बोले ये फ्रॉड है। फिर बाद में हम घर चले गए, दोबारा बैंक से नोटिस आया कि आपके अकाउंट में 80000 रुपये का ट्रांजेक्शन हुआ है। तो सर हमने ये FIR कराई, बाद में पता चला कि और ज़्यादा फ्रॉड हो चुका है। अच्छा किसने किया है ये फ्रॉड? ये सर पता नहीं, वो शायद दिल्ली के बता रहे थे हर्ष कुमार। अच्छा उन लोगों ने किया है? उन लोगों ने किया। अभी यहाँ आवेदन देने आए तो क्या आश्वासन दिया आपको? सर आवेदन ले लिया है सर।